तो कैसे हैं आप लोग, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वन ऑफ द बेस्ट ऑटोनोमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन पुणे उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बराबर, नाम तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, MIT अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग आलंदी पुणे। अब आलंदी किसको पता नहीं है, बराबर। अगर कोई ऐसा है जिसको पता नहीं है आलंदी नाम का प्लेस, तो मैं बता दूँ पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आलंदी नाम का प्लेस है, जहाँ पर किस चीज़ के लिए वो प्लेस जाना जाता है, संत ज्ञानेश्वर महाराज उनका जो मंदिर है वहाँ पर है लोकेशन, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है, तो आलंदी के लोकेशन में ये कॉलेज का प्लेस है, ठीक है। तो आगे सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एडमिशन से लेकर आपके करियर तक ये चैनल ऑन एवरी स्टेप हर कदम पे आपको हेल्प करेगा। कैसे कैसे हेल्प करेगा वो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी, ठीक है। तो देखते हैं फिर एक एक चीज़, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कॉलेज का नाम तो बता दिया, बराबर। उसके बाद और क्या देखना है हमें, DTE का कोड देख सकते हो, इस्टेब्लिशमेंट 1999 का है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है, DTE रीजन और डिस्ट्रिक्ट दोनों पुणे है, और ये एड्रेस है कॉलेज का, आलंदी तालुका खेड़, बराबर। और ये पिन कोड है, और कॉलेज का वेबसाइट का एड्रेस भी आप चेकआउट करना चाहिए आपको। तो अनएडेड मतलब प्राइवेट कॉलेज है और ऑटोनोमस कॉलेज है। ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस का डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्टली, बराबर, इसके ऊपर अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, ओके सर, आगे बढ़े। अगर कॉलेज का लोकेशन देखा जाए तो पुणे स्टेशन से 18 किलोमीटर और पुणे का बस स्टैंड जो वहाँ से भी 18 किलोमीटर और पुणे का जो एयरपोर्ट है वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है कॉलेज है। BTech डिग्री मिलेगी आपको, और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को कॉलेज एफिलिएटेड है, और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो इसके ऊपर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस साल उन्होंने हॉस्टल इंक्लूड किया है या नहीं, तो कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने शेयर किया था, बराबर, तो उसके ऊपर आप ज़रूर फ़ोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो कोर्सेज देखते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ENTC, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और मैकेनिकल। तो मैं बता दूँ केमिकल यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि कुछ बच्चे पूछते रहते हैं सर केमिकल कौन से कॉलेज में, बताओ, तो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का इंटेक है 180, ENTC का 120। इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कोर्स अभी तक नहीं दिखा था मुझे कहीं पर, मतलब बहुत रेयर है ये कोर्स नहीं अवेलेबल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ही वो समझते हैं, इसमें ही आता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको स्पेसिफिकली सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स करना है तो यहाँ पर आप ज़रूर ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर प्लेसमेंट की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर बोला है हमारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, किसके साथ, संगठन कोलैबोरेशन, बराबर, मतलब इनके साथ कॉन्टैक्ट है, टाइप है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी UK की, यूनिवर्सिटी ऑफ डुंडी UK, कैसे पढ़ते हो इसको, डुंडी, बराबर। आय कार्जेनिक इनकर, ये क्या है, ये एक यूनिवर्सिटी है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी की वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। NTU सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी है, इनके साथ इनको कोलैबोरेशन ऐसा बोल रहा है, तो इसका फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को, ओके। तो प्लेसमेंट में अगर उन्होंने बोला है यहाँ पर कि आवर रिक्रूटर्स कौन सी कंपनियां हैं, तो कॉग्निजेंट है, KPIT कमन जेंसर IT कंपनियां है, एक्सेंचर है, ATS ओरिजन है, बराबर। तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, जो कि प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक्स, तो करंट बैच का 2022-23 जो अभी पास आउट हुआ है उनका स्टैटिस्टिक्स मैं देखाता हूँ प्लेसमेंट, बराबर। तो BTech डिग्री मिलती है आपको, बराबर, वो तो मैंने बता दिया। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है समीर नाम का, उसका IT कोर्स था, वेरिटास टेक्नोलॉजी में प्लेसमेंट हुआ, और उसको पैकेज मिला है 15 पॉइंट, मतलब 16 लाख एक साल का पैकेज होता है, राइट, तो अच्छा पैकेज मिला है। और एक है स्टूडेंट, उसका भी हुआ है, उसको भी सेम पैकेज है। उसके बाद अवाया इंडिया में प्लेसमेंट हुआ है 12 लाख पैकेज के साथ, फ़ोन पे में प्लेसमेंट हुआ है कुछ स्टूडेंट का, फ़ोन पे 22 लाख पैकेज के साथ। उसके बाद बॉश कंपनी में प्लेसमेंट हुए हैं 7 लाख पैकेज के साथ, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब आपके अंदर वो स्किल है,
तो आपको अच्छा पैकेज अच्छी कंपनी मिलेगी, आपके अंदर एवरेज स्किल है तो एवरेज पैकेज एवरेज कंपनी मिलेगी, बराबर। तो आपके स्किल के ऊपर है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी होना, बराबर। तो वो यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये देखिए, और मैंने सारे इंक्लूड किए हैं यहाँ पर। कॉग्निजेंट में मास रिक्रूटमेंट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो कॉग्निजेंट में कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए, एक ही बार कॉग्निजेंट ने इतने सारे बच्चे उठाए हैं। चलो, मतलब इसको मास रिक्रूटमेंट बोलते हैं, बराबर। तो ये भी एक पॉजिटिव बात होती है, बहुत सारे बच्चे एक साथ कोई कंपनी 100 बच्चे 200 बच्चे 50 बच्चे एक साथ ले लिए, बराबर। तो एमडॉक्स भी कंपनी है यहाँ पर, उन्होंने भी बहुत सारे बच्चे उठाए, एक्सेंचर ने, बराबर। ओके, तो आगे बात करते हैं हम फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर तो फी स्ट्रक्चर डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ओपन का फी स्ट्रक्चर यहाँ पर रिवील करता हूँ। ट्यूशन फी है 1,65,000, डेवलपमेंट फी 24,000, तो ओपन के लिए 1,90,000 फी स्ट्रक्चर बन जाता है, बराबर। कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है, कैंपस अच्छा है, तो इसलिए इसका फीस भी बहुत ज़्यादा है, बराबर। तो कैटेगरी की अगर बात करते हैं, मान लीजिए आपको 50% कंसेशन है, ओबीसी वगैरह जिनको 50% कंसेशन होता है, उनका फीस कितना बन जाएगा? अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं तो 1,60,000 अगर इसको पकड़ते हैं तो 80,000 82.5 हो जाएगा, राइट, 82.5K, मतलब 1,000, और इसमें ये जोड़ दो आपका, क्या जोड़ दो, ये 24,000, बराबर। तो 82 प्लस 24, तो ओबीसी की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आप कैलकुलेट खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये आई थिंक 104,000 के आसपास हो जाएगा, बराबर, 1.04 लैक्स, ओके। और अगर एनटी वगैरह इनका कैलकुलेशन करते हैं, जिनको 100% कंसेशन होता है, क्या होता है, 100% कंसेशन होता है ट्यूशन फी में, उनके लिए बन जाएगा सिर्फ 24,000, 24K। और अगर ऐसी कैटेगरी जो एससी या एसटी, उनमें से किसी को क्या होता है, ये दोनों में 100% कंसेशन होता है, तो ये ट्यूशन फी भी उनका नील हो गया, और ये भी नील हो गया, डेवलपमेंट फी भी नील हो गया। तो बाकी जो एक्स्ट्रा फीस होते हैं यूनिवर्सिटी का वगैरह, वो ही उनको, तो बहुत कम फीस बन जाएगा उनका, 8-10, 5,000 के आसपास बन जाता है, ठीक। तो आई होप आपको फीस स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ओके। तो आपको ओपन का फीस पता है, तो आप फीस स्ट्रक्चर खुद से भी एक अंदाज़ा लगा सकते हो आपको कितना कंसेशन। तो अब देखते हैं कट ऑफ, पिछले साल का कैपराउंड 1 का कट ऑफ मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बात नोटिस करने लायक है, कॉलेज को कैसे डिमांड में है कैसे पता करें, क्योंकि जहाँ पर बाकी कॉलेजेस में, बाकी मतलब कुछ गिने चुने कॉलेजेस छोड़ के, सारे कॉलेजेस में सिविल के ब्रांचेस खाली पड़े हैं, सिविल मैकेनिकल स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे उसमें, वहाँ पर ऐसे कॉलेजेस में सिविल का कट ऑफ हाई लग रहा है, 74% है, मतलब इसमें सिविल का भी फुल हो रहा है एडमिशन, बराबर। क्यों होता है? क्योंकि कॉलेज का स्टेटस अच्छा है, बराबर। मैं कभी पर्सनली कॉलेज को विजिट नहीं किया हूँ, जितना भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पर पास आउट हुआ है वो कमेंट कर सकता है नीचे, या कोई पढ़ रहा है सीनियर स्टूडेंट थर्ड ईयर फाइनल ईयर में, वो भी कमेंट कर सकता है, कोई हाईलाइट करने लायक बात हो कॉलेज के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, ठीक है। तो एससी के लिए देख सकते हो, एसटी के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो कट ऑफ अच्छे से वीडियो पॉज कर लिए पढ़ लेना, कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया हो, ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यूएस 70 और 85 कट ऑफ है, और ऑल इंडिया कट ऑफ जेईई मेन से 67% है सिविल का। और इसका कट ऑफ कैसे लगता है, स्टेट लेवल पे होता है, ऑटोनोमस कॉलेज बीटेक डिग्री स्टेट लेवल पे कट ऑफ लगेगा, यहाँ पर होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नहीं है, सारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स एक ही लेवल पे होंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, 95% है ओपन, NT2 का 93, NT1 का 94, OBC का 94, NT3 का 90 ही दिख रहा है, बहुत हाई कट ऑफ है, बराबर। तो ये कॉलेज भी अच्छा है इसलिए इसका हाई कट ऑफ जाता है, ओके। तो वीडियो पॉज करके ज़रूर पढ़ लेना आप। ENTC का भी कट ऑफ 89% है, काफ़ी कट ऑफ है, ठीक है, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अच्छा कट ऑफ है, 79% है। उसके बाद देखते हैं हम केमिकल का, ये देखो 81% है, काफ़ी हाई है। उसके बाद मैकेनिकल का देखते हैं, 68% है, जहाँ पर बाकी कॉलेजेस में हमने देखा है, आप वीडियो अगर फॉलो करते हो, 5% है, 4% है, और फिर भी स्टूडेंट्स ही नहीं हैं, ब्रांचेस खाली पड़े हैं, बराबर।
वो सारी चीज़ें आई होप आपको पता चल गया है, इस कॉलेज के बारे में एक ब्रीफ आइडिया आ गया है आपको, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया है कैसा कॉलेज है, बराबर सारी चीज़ों से। फिर भी इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आपको खुद वो इन्फॉर्मेशन रिसर्च करना चाहिए, अगर आप इस कॉलेज के बारे में सीरियस हो, इसमें एडमिशन लेना चाहते हो और इस आपका जो स्कोर है वो इसको मैच कर रहा है, कट ऑफ के साथ आसपास है, बराबर, तो आप रिसर्च कीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिएगा, बराबर। तो कोई भी हाईलाइट करने ऐसी चीज़ हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता लेना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, किसी और कॉलेज के बारे में वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, बराबर। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो पहले कर लीजिए, बराबर, क्योंकि आपके एडमिशन से करियर तक ये चैनल आपको हेल्प करेगा। तो रुकते हैं यहाँ पर, मिलते हैं एक और ऐसे ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।